नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा हमारे शनिवार को वहाँ जाना है, लेकिन हमारे मौके पे डॉक्टर का होता है भगवान का, क्योंकि हमारे लिए बहुत कीमती है। और ये नहीं है आज कीमती है, पहले भी आज भी है, लेकिन मौके पे हमारे साथ खड़े हुए कहते हैं जो सुख में खड़ा होता है उसको नहीं कहा जाता, जो उसमें खड़ा होता है सबसे बड़ी बात है। जा रहे हैं, लास्ट वीडियो है, अब आएंगे। अगर आना होगा तब गांव से लौट के आएंगे, तब आएंगे, क्योंकि मुझे गांव भी जाना है और दो ही दिन बचा हुआ है, तो अब रेस्ट थोड़ा एक दो दिन रेस्ट भी करेंगे। हस्बैंड रेस्ट करने के लिए काम लगा रहे हैं, चार पाँच दिन से काफी परेशान हमारे चक्कर, हॉस्पिटल में शनिवार से ही आए, अब काफ़ी ज़्यादा परेशानी है हमारे चक्कर में, ना सो पाए हैं ना रेस्ट कर पाए हैं, और हॉस्पिटल में दौड़ रहे हैं हम दोनों के साथ। हमारे माँ बहन तो नहीं हो कर पाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता, सुई दवाई डॉक्टर हमारी बीमारी नहीं देख पाते, अगर ये नहीं होती तो हम तो ऐसा करेंगे पूछो मत, ऐसे का लगता करना कि ना आगे हो गया हमारे पीछे बड़ा हो रहा है। जितना दुख हम हॉस्पिटल में तकलीफ उठा के नहीं पाए हैं, उतना दुख हमारे साथ कोई नहीं था इनके अलावा। अब मौके पर हमारे भी आए तो दीदी अपने से बढ़ती है, शायद ये ऐसा ना हल्का कभी छुपा नहीं पाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, तो दोस्त आप लोग देख सकते हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और बेबी तो हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में, बढ़ जा रहा है नहीं बता सकते, लेकिन आपका बहुत प्यारा दुआ है और जो भी था अच्छा खासा भगवान ने दिया। और आप लोग बहुत सोच के परेशान हैं कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, मैं आपको बता दूँ, उसकी बुआ बताएगी, अभी नहीं टाइम आएगा तब बताएगी। तो देखिए बुआ भी टाइम ले लिए, बुआ अभी भाई अभी नहीं बता रही है, देख लीजिए। बस हमें खुशी यही है कि सही सलामत हो गया, बहुत टेंशन हो गई थी हमें भी जो स्थिति उनकी थी, आपका दुआ की ये समय लेकर अच्छे से सब कुछ हो गया। आप सबको बहुत ज़्यादा कमेंट पढ़ के मुझे सबसे शायद इतना प्यार दुलार मैंने कभी अपने परिवार से नहीं पाया होगा, इतना प्यार दुलार आप सबसे मिला मुझे, इतना देता है। हम कितना भी दुख होते हैं हम लोग नहीं के काटते हैं, बता ही दे क्या हुआ है, बता दे बता दे, नहीं रहने दो, मौका आएगा बता दे, लड़का हुआ, अब चाहे लड़का हो या लड़की हो सही सलामत हो गया, अब लड़का हो गया, एक लड़की थी पहले एक लड़का भी हो गया, मतलब वही कहा आम इमली दोनों हो गया, किसी के लिए अब तरसना नहीं है। तो बेबी के बारे में जानिए पूरी सच्चाई, तो बहुत लोग लड़का हुआ है, और आप सबसे प्यार आशीर्वाद से जो भी है ठीक ठाक सही सलामत बेबी गर्ल हुआ है, और आप सबका जो सपना था वो पूरा हुआ, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग बोले थे भाभी आपको बेटा होगा, दीदी आपको बेटा होगा, तो आप सबका लड्डू तो भाई बनता ही है, जरूर बनेगा, जरूर लड्डू तो बनता है। और वीडियो में आप लोग को इसलिए हम इंतज़ार करवा रहे थे, वो कहें इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है, इसलिए आप सबको नहीं बताते, तो वीडियो में जान लीजिए कि हमको बेबी बॉय हुआ है। ठीक है,
लड़का हुआ है और लड्डू तो आप सबको बनता ही है, बहुत जल्दी आप सबको लड्डू खिलाएंगे। अभी हम हॉस्पिटल से निकल गए, आप सबका बहुत प्यारा प्यारा दुआ से निकल जाए, थोड़ी इनकी सेहत से बच्चे की सेहत तो सही बच्चे की। अब देखिए आप लोग देख सकते हैं ये चंगू मंगू है बहुत ज्यादा। हाय करो बेटा, हाय करो, हाय गए, कैसे हो? कमेंट में बताना ये मेरी मम्मा को सपोर्ट करो आप लोग। देखो आप लोग से बातें कर रहा है, हाँ ये देखो आप लोग बात करने के, देखिए आंखें खोल दिया। तो चलिए दोस्त आज इनको हम अलविदा कर रहे हैं क्योंकि ये जाएंगे, नहीं जाने देते लेकिन मजबूरी है इनका जाना और हमारी मजबूरी है इनको हम भेजना, क्योंकि हम अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं, हमें इनके देखना है, हम अपने स्वार्थ के लिए इनको हम नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन हमसे ज़्यादा इनको इनके बारे में हम सोच रहे हैं, अपने से ज़्यादा इनके बारे में, क्योंकि इनको भी गांव जाना है बहुत ज़रूरी है, इनके पापा जी बीमार हैं इसलिए इनको बाय देखिए नहीं जाएंगी। दुनिया में माँ बाप से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती लेकिन इनको जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्त आप सब जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपना अपना लोग ख्याल रखिए, ठीक है, बाय।